नमस्कार, स्लीपवेल फाउंडेशन की तरफ से इस खास सीरीज बीइंग स्मार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। बीइंग स्मार्ट एक स्पेशल सीरीज है हमारे यंगस्टर्स के लिए, और इसमें हम बात कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए सोशल और पर्सनल इश्यूज की। पिछली बार हमने बात की थी एग्जाम स्ट्रेस की और कैसे उसे कम किया जाए, और अब बात करेंगे हम बुलिंग की, यानी किसी के द्वारा परेशान किए जाने की या परेशान होने की। उससे पहले ये समझना हम सबके लिए जरूरी है कि बुलिंग कितने तरह से हो सकती है, कैसे कैसे हम परेशान हो सकते हैं। आपको चार तरह से बुली किया जा सकता है। फिजिकल बुलिंग, यानी शारीरिक तौर पर आपको परेशान किया जाए। मेंटल या इमोशनल बुलिंग, मानसिक तौर पर आपको परेशान किया जाए। सोशल बुलिंग, सामाजिक स्तर पर आपके लिए परेशानियां खड़ी की जाए। या फिर साइबर बुलिंग, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, इंटरनेट के जरिए, ऑनलाइन माध्यमों के जरिए आपको परेशान किया जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल बुलिंग की, उससे हम कैसे बच सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, फिजिकल बुलिंग में कोई आपको शारीरिक तौर पर कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, आपके साथ मारपीट कर सकता है, लात मारकर आपको गिराने की कोशिश हो सकती है, आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं, आपका रास्ता रोकने की कोशिश की जा सकती है, आपका हाथ पकड़ा जा सकता है। लड़कियों के मामले में हम अक्सर देखते हैं कि वो शिकायत करती हैं कि हमारा बैग खींच लिया या हमारा दुपट्टा खींच लिया। मंशा सिर्फ आपको परेशान करने की, आपको डराने की, आपको छेड़ने की हो सकती है। कोई आपके बगल से होते हुए आपको नोचते हुए जा सकता है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई पैर अड़ा दे, आप गिर सकते हैं। या आप कहीं से गुजर रहे हो और पीछे से कोई आपको धक्का मार कर निकल जाए और आपका संतुलन बिगड़ सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो ऐसे सभी तरीके जिन्हें अपनाया जाता है आपको शारीरिक तौर पर परेशान करने के लिए। जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की आपसे कोई निजी दुश्मनी हो, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को परेशान करने में मजा आता है। और आमतौर पर बहुत सारी लड़कियों से हम सुनते हैं कि कहीं स्कूल कॉलेज के रास्ते में इस तरह की बुलिंग का शिकार वो होती हैं। अगर आप फिजिकल बुलिंग का शिकार हो रहे हैं और आप जानते हैं कि आपको परेशान करने वाला कौन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक बार आपको करके निकल गया और आप उस व्यक्ति को नहीं पहचानते और दोबारा शायद आपकी उससे मुलाकात नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें परेशान करने वाला व्यक्ति हम जानते हैं, हमारी नजरों के सामने होता है, उससे रोज हमारा आमना सामना होता है, और बहुत जरूरी है कि उसको उस वक्त रोका जाए ताकि वो हमें आगे परेशान या बुली ना कर सके। सबसे पहले, क्या काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? परेशान करने वाले या बुली करने वाले किसी भी व्यक्ति से आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अक्सर बुली करने वाले की मंशा होती है कि वो आपको गुस्सा दिलाए, आपको उकसाए, ताकि एक लड़ाई शुरू की जा सके। उसके उकसावे में कभी नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है, आप उस वक्त शांत रहें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वहां से निकल जाएं, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति के उकसावे में, बहकावे में ना आए, क्योंकि आप भी अगर उसी की तरह गुस्सा हो जाएंगे तो फिजिकल बुलिंग जो अभी तक एक तरफ से हो रही थी वो एक फिजिकल फाइट में बदल जाएगी, जिसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। परेशान करने वाले से कभी भी डरे नहीं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, आपको बुली करने वाले की नजर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर है। अगर आप घबराए हुए दिखेंगे या डरे हुए दिखेंगे, और खासकर उन लोगों के सामने जो आपको हर दिन बुली करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो आपको खुद लड़ना नहीं है, गुस्से में नहीं आना है, लेकिन आपको डरना भी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए फिजिकल बुलिंग को रोकने के लिए? जहां तक संभव हो सके, अपने को परेशान करने वाले से खुद ना भिड़कर उसको इग्नोर करके आगे निकल जाएं। उस वक्त बहुत जरूरी है कि हम शांत रहें, कॉन्फिडेंट रहें और साथ ही पेशेंट भी रहें। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें उससे डर के निकल जाना है ताकि उसकी हिम्मत और बढ़े। हमें अपने को परेशान करने वाले बुली की रिपोर्ट जरूर लिखवानी है, उसकी शिकायत जरूर करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखें, अगर कहीं पर भी सड़क चलते हुए आपको शारीरिक तौर पर परेशान किया जा रहा है, फिजिकल बुलिंग हो रही है, तो तुरंत आवाज ऊंची करें, आसपास से जो भी गुजर रहा है उससे मदद मांगें, उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। जब उस वक्त वो बुलिंग वाली सिचुएशन से आप निकल जाएं, तो तुरंत इस मामले को रिपोर्ट करें। सबसे पहले और सबसे जरूरी, अपने पेरेंट्स को किसी भी तरह की बुलिंग की जानकारी जरूर दें। चाहे आपको परेशान करने वाला एक बार करके निकला हो या हर रोज कर रहा हो, आपके पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको परेशान करने वाला, आपका बुली,
आप ही के स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है या पढ़ती है और आप उसको जानते हैं, तो तुरंत अपने टीचर्स को और स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी हरकतों के बारे में सूचित करें। और सबसे जरूरी बात फिजिकल बुलिंग को रोकने के लिए यह है कि हम सबको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। हमें यह सोचकर अपने बुली को नहीं छोड़ देना है कि चलो ठीक है आज हो गया अब कल नहीं होगा या अब ये व्यक्ति सुधर जाएगा। नहीं, अपने को बुली करने वाले की शिकायत पुलिस स्टेशन में जरूर लिखवाएं, क्योंकि जब हम इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाएंगे तभी हमारे आसपास जिस भी तरह से फिजिकल बुलिंग हो रही है उसे हम बंद कर पाएंगे। तो याद रखिए, अगर आप फिजिकल बुलिंग को रोकना चाहते हैं, चाहे आपके साथ हो रही हो या आपके आसपास किसी के साथ, तो बिना खुद लड़ाई झगड़े में पड़े अपने को परेशान करने वाले का मुकाबला सही ढंग से करें और उनकी शिकायत सही जगह पर करें ताकि उनकी बुलिंग बंद की जा सके।